हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे मारुति डिज़ायर का। ये गाड़ी कम्पीट करती है होंडा अमेज, होंडाई ओरा एंड टाटा टाइगोर के साथ। इसमें आपको फोर वेरिएंट्स मिलेंगे, LXi, VXi, ZXi एंड ZXi प्लस। इसका सेकंड बेस VXi वेरिएंट है। फ्रंट में इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प मिल जाएंगे हेलोजन बल्ब के साथ। हेलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। फॉग लैम्प इसमें आपको एज एन एसेसरी लेने पड़ेंगे। फॉग लैम्प हाउसिंग के सराउंडिंग में आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी। फ्रंट ग्रिल के सराउंडिंग में भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिलेगी, सुजुकी का लोगो, अंडरबॉडी। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। अब बोनेट को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें आपको 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 139 Nm का टॉर्क एंड 89 bhp। सेकेंड इसमें आपको CNG इंजन मिलेगा, पेट्रोल विद CNG, उसमें आपको 76 bhp एंड 98 Nm का टॉर्क मिलेगा। यहाँ पे आपको कवरिंग मिल जाएगी। बोनेट को क्लोज कर लेते हैं। वाइपर, वॉशर, इसमें आपको 14 इंच के स्टील व्हील मिलेंगे व्हील कैप्स के साथ। जब आप कार लेंगे तब व्हील कैप्स लग के आएंगे। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलेंगे। कुछ इस तरह से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलेंगे। इसमें आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो, डिजायर की बैजिंग। नीचे भी आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको फोर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। कैमरा आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। टेल गेट को अनलॉक कर लेते हैं। इसमें आपको 378 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। बूट लैंप आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा। अगर आप इसका CNG वाला वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको CNG टैंक मिलेगा, स्पेयर व्हील। इसमें आपको कवर्ड टेलगेट नहीं मिलेगा। लाइसेंस प्लेट की लाइट हैलोजन में। इस वेरिएंट में आपको डिफॉगर भी नहीं मिलेगा, माइक्रो रूफ एंटीना। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 37 लीटर्स की मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का मिलेगा। इसमें आपको टोटल 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। सेफ्टी में इसमें आपको 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और भी थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं इसके रियर में। रियर का डोर आपको ड्यूअल डोर फिनिशिंग में मिलेगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की लेदर या फैब्रिक फिनिशिंग नहीं मिलेगी। पावर विंडो का कंट्रोल, स्पीकर, बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस। इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलेगा। रियर के हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विथ ट्विन कप होल्डर्स। आगे वाली सीट कंप्लीट पीछे है, उसके बाद कुछ इतना लेग रूम बचता है। ये वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई है।
रियर में आपको एसी वेंट मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस फ़ोन प्लेस करने के लिए, 12 वोल्ट का सॉकेट, इसमें चार्जर अलग से लगाना पड़ेगा। को ड्राइवर सेट आपको मैप पॉकेट मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल, सेंटर में भी आपको एक कैबिन लैम्प मिल जाएगा हेलोजन में। रियर से फ्रंट का कुछ इस तरह का लुक है। अब चलते हैं इसके फ्रंट में। इसमें आपको कुछ इस तरह की बेसिक सी कीज मिलती है लॉक अनलॉक के स्विच के साथ। लॉक करेंगे सिंगल हॉर्न, अनलॉक करेंगे ड्यूअल हॉर्न। इसमें आपको प्राइवेट लॉकिंग का फीचर मिल जाता है। अगर आप इसको सिंगल टाइम अनलॉक करेंगे तो सिर्फ फ्रंट के डोर ही अनलॉक होंगे, रियर का डोर लॉक रहेगा। जब मैं इसको सेकेंड टाइम अनलॉक करूँगा तो सारे डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। फ्रंट का डोर भी आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग में मिलेगा। यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिशिंग मिल जाएगी। चारों पावर विंडो के कंट्रोल, इसमें से ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन के साथ मिलेगा, लॉक अनलॉक के कंट्रोल, पावर विंडो लॉक का स्विच, ORVM एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग के स्विच। इनसे डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलेगा। स्पीकर, बॉटल होल्डर, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस। ड्राइवर साइड सीट आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाएगी, हाइट, रिक्लाइन और स्लाइडिंग के साथ। इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रंट के एड्रेस भी आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाएगा, यहाँ से आप हेडलैम्प की बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्यूल लीड को ओपन कर सकते हैं एंड टेल लीड को भी अनलॉक कर सकते हैं। अब इंजन को स्टार्ट करके इंजन का साउंड सुन लेते हैं। कुछ इतना आपको इंजन का साउंड मिलेगा। ये इसका पेट्रोल इंजन है। बोनट का व्यू इसमें विजिबल थोड़ा बहुत रहेगा। दो एसी वेंट, हैजार्ड लैम्प का स्विच। यहाँ पे आपको 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ये सपोर्ट करेगा ब्लूटूथ, ऑक्स, USB, बिल्कुल बेसिक सा है। अभी आई थिंक आप इसको क्लियरली देख नहीं पा रहे होंगे बिकॉज इस पर पॉलिथीन लगी हुई है। इसमें आपको 4 स्पीकर मिलेंगे। अब एक सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। मुझे पर्सनली इसकी ऑडियो क्वालिटी डिसेंट लगी है। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे USB और ऑक्स के पोर्ट। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स मिल जाएंगे। पेट्रोल के साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शन मिल जाएगा, बट अगर आप इसका CNG वाला वेरियंट लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। मैनुअल हैंड ब्रेक, ग्लव बॉक्स इसमें आपको कूल्ड नहीं मिलेगा, डिसेंट साइज का है। यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग मिल जाएगी। को ड्राइवर साइड सन शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, सेंटर में कैबिन लैम्प हेलोजन में। यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाएगी। डे नाइट IRVM। ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसमें आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील नहीं मिलेगा। इस साइड आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड वाइपर के टॉगल, राइट साइड हेडलैम्प के टॉगल। इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट टेस्टर मिलेगा, राइट साइड स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर। सेंटर में आपको एक MID मिलेगी, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको एवरेज, रेंज, इंस्टेंट माइलेज, क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, फ्यूल लेवल, इंजन टेम्परेचर और भी थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्प्ले होगी। तो यही था मारुति डिज़ायर का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अगर आप उदयपुर या नियर बाय उदयपुर से हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप नवनीत मोटर्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।